अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइंस कुकिंग। और आज हम बना रहे इजी टू मेक पुडिंग घर पे इंडियन स्टाइल, और बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये। मेरे भाइयों को बहुत पसंद है। देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैं एक कप शक्कर पहले कैरमलाइज कर लूँगी, एकदम स्लो आंच पे करना है ताकि जल ना जाए शुगर। अब इसको मैंने प्लेट पर डाल दिया, स्प्रेड करना है पूरी ट्रे। ये हमारी एक्चुअल ट्रे है जिसमें पुडिंग जाएगी, तो उसके लिए हमें पहले पूरा शुगर सेटअप करना पड़ेगा। थोड़ा सा गर्म है और मैं एक हाथ से ही कर रही थी सब, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ये मैंने पूरा इसको प्लेट में फैला दिया है ठंडा होने से पहले, क्योंकि ठंडा हो जाएगा कड़क हो जाएगा, कड़क हो जाएगा तो वो हिलेगा ही नहीं, वो एकदम टॉफ़ी जैसे बन जाएगा। इसलिए जैसे ही गर्मा गर्म उसको पूरा प्लेट में स्प्रेड करना है। अब मैंने यहाँ पे लिए 4 से 5 ब्रेड। अब इसको मैं घी में टोस्ट करूँगी दोनों साइड से, और जब तक ये हल्का सा ब्राउनिश नहीं हो जाना तब तक, मतलब ना ज़्यादा वाइट में रखना है ना ज़्यादा ब्लैक होने देना है, एकदम ब्राउनिश कलर आ जाना चाहिए, वैसे बिल्कुल ऐसे ही। मैंने सारे ब्रेड टोस्ट कर लिए हैं। अब इसको भी हम थोड़ा साइड में रखते हैं, और फिर हम लेंगे 2 कप दूध और इसको एक बॉईल होने तक, मतलब गर्म होने देंगे। बस इसको बॉईल करके, अगर आप चाहे तो अभी इस मोमेंट पे आप शक्कर डाल सकते हैं 2 बड़े चम्मच, या फिर आप रहने दें नॉर्मल बॉईल करें, बाद में हम डालेंगे। अब इसको मैंने गरम गरम दूध को बोल में ले लिया है, और इसमें मैं ब्रेड वैसे ही डुबा दूंगी, पूरा मिक्सअप करना है चम्मच से, गरम 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 दूध में ही करना है, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो वो पूरा मिक्सअप नहीं हो पाएगा, पूरा टेक्सचर उसका वो नहीं होगा। ब्रेड थोड़े नरम हो जाते हैं गरम दूध में, तो ईजी रहता है उसको पूरा मैश करना, हमें ब्रेड मैश करना ही है पूरी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गर्म दूध में, इसीलिए दूध ठंडा, ज़रा भी ठंडा हो गया ना तो उसको बहुत टाइम लगेगा नरम होने में ब्रेड को। आप चाहे तो इस मोमेंट थोड़ा सा और दूध डाल सकते हैं, अगर एकदम पूरा रूखा हो गया है तो, रफ हो गया है तो। अब मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए, और 2 अंडे में मैंने 2 चम्मच पाउडर शुगर डाले। आप चाहे तो दूध में अगर आपने डाल दिया है तो इसको अवॉइड करें, दूध में नहीं डाला है तो इसमें डाल दें आप, और इसको अच्छे से फेंट लें। इसको अच्छे, सॉरी बाज बहुत बातें आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं। इसको मैंने फेंट लिया अच्छे से, और इसको मैंने अब ब्रेड के मिक्सचर में डाल दिया, और इसको पूरा मिक्सअप करना है। हमारा पुडिंग का मिक्सचर ही रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा रनी भी होगा तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज वो स्टीम होगा तो अपने आप वो हो जाएगा। ये देखो, ये मेरी पूरी कैरमलाइज हो गई है कड़क, एकदम टॉफी की तरह। अब इसमें मैंने ब्रेड का मिक्सचर डाल दिया, और इसको सेट कर दूंगी मैं अच्छे से। बस इसको अच्छे से सेट करना है, और फिर मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करूँगी, या डबल बॉयलर भी कह सकते हैं आप उसे, हाई फ्लेम पे, ताकि ये जल्दी से पक जाए। 10 से 15 मिनट इसको ढक के रखना है और पकने देना है आराम से बस। और फिर देखो, ये पकने के बाद ऐसे लगता है, सॉरी थोड़ा सा गर्म है। बस हमारी पुडिंग रेडी है, अब इसको स्लाइसेस में कट करो और सर्व करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ घर में बनाओ, कमेंट करके बताओ, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो। बट देखो, ये पूरी वीडियो देखना, घर में ज़रूर बनाना और बताना कैसा बनाया है। ये मेरे घर की स्पेशल फेवरेट पुडिंग है, मेरी फैमिली ये खाना प्रेफर करती है। ये देखो, ये मैंने पलटा के भी बता दिया, बिल्कुल ऐसी लगती है, और इसको हम करेंगे सर्व।
इतनी सॉफ्ट होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।